बैठ जाए। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे से हैं। और यहाँ पे आप सब देख सकते हो, ये सीनू आया है अपनी मम्मी के बिना, पहली बार मेरे घर अकेले आया है। अब बिल्कुल भी शैतानी नहीं कर रहा है, मतलब अंश सो रहा है ना, तो इसको उठाने जा रहा है, तो मैं बोली नहीं 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 भैया मारेगा उठेगा तो ये नहीं जा रहा डर के। और ये ना मजे से खेल रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है कि इसकी मम्मा कहाँ है या फिर कोई कहाँ है, ये आराम से खेल रहा है, इसको बहुत मजे आ रहे हैं। यहाँ पे सीनू की मम्मा देख लो, अंश कितना सीनू कितना मजे कर रहा है यहाँ पे। अंश बेचारा सो रहा है, रो धो के सो गया बेचारा, उसको मैंने डांट लगाई अच्छे से, पिट भी गया मुझसे। मेरे पास हो गए दो बच्चे, एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा शैतानी कर रहा है, खेल रहा है। दो बच्चे होते तो ऐसी परेशानी होती है ना सच्ची में, कि एक सोता होगा एक जगता होगा, उसको संभाल के रखो, उसको पकड़ के रखो कि कहीं वो उसको उठाने न चला जाए, उसको थप्पड़ ना मार दे, उसको गिरा ना दे, कितनी टेंशन होती होगी ना सच्ची में। तो ये देखो ये कहाँ चढ़ाया, नो सीनू नो, ये ना इसको उखाड़ना चाहता है, रोज इसके पीछे पड़ा होता है। एक तो वो खुद ही गिर गया बीच वाला, तो कितना गंदा लगता है दीवार, और दूसरा दो लगे पड़े हैं, तो ये रोज जब भी आता है ना उसको खींचता है कि मैं उसको उखाड़ दूं। नो सीनू नो 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 नो, खांसी आ गई, खांसी आ गई, पानी पियोगे? ना ना, अभी अभी पिया था इसने पानी, अब ना 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 ना। तो अभी है शाम का टाइम, मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने सोचा चलो ये चना और मूंग मैंने रखा हुआ था, दो दिन पहले ही रखा था मैंने, तो इसमें मैंने डाल दिए कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और खीरा, छोटा छोटा चॉप करके रख दिया है, और डाला है मैंने नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मैं जीरा पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ सच्ची में, हर चीज़ में मैं ये भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा लेमन डाल दिया मैंने, नींबू स्क्वीज कर दिया है, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हेल्दी हेल्दी स्नैक्स जो है वो रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी रहता है, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ हेल्दी रहने की, देखते हैं। तो फ्रेंड्स बना लिया मैंने अपने लिए सैलड, देख सकते हो आप, मूंग चना और ग्रीन वेजीज के। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:30 और लग रही है भूख, तो चटपटा यम्मी यम्मी सा इसको खा लेते हैं फटाफट से। बहुत अच्छा आपका, क्या हुआ अंश? यहाँ पे कर रहा है जंप, इसको जंप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले तो ये सोफे पे खड़े होकर उसी पे जंप करता था, बट अभी इधर 15-20 दिन से शायद हाँ ये सीख गया कि ऊपर से जंप करने में इसको डर नहीं लगता, वरना पहले बोलता था मम्मा हाथ पकड़ूँ फिर मैं जंप करूँगा, लेकिन अभी देखो ये कितना ज़्यादा खुश है। और अपने बिस्किट ऐसे ही रखता है कहीं भी टेबल वगैरह पर, कि जब घूम के आए मन करे बस एक बाइट खा लिया, हो गया, इसको बस इतना ही चाहिए होता है। अभी ये शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 6, तो मैंने सोचा नहीं 6 नहीं बजे हैं, हाँ 6 बज गए, तो मैंने सोचा चलो आज के लिए थोड़ा सा कुछ बना देते हैं। तो ये कल जो मखाने लेकर आए थे ना, तो इसी को ये हल्का सा रोस्ट कर देती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है और टेस्ट में भी अच्छा, अंश को काफी अच्छा लगता है, तो उसके लिए ये मखाने मैं फटाफट से भून देती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाला है बिल्कुल 1 चम्मच घी, बहुत ही थोड़ा सा, जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे मखाने, जितने भी आपको भूनने हो उस अनुसार ही आप डालें, और इसको हमें लगातार चलाना होता है, आप हाई फ्लेम पे चला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मोटी वाली कढ़ाई है ना, तो ये हाई फ्लेम पर जलती नहीं है इतनी जल्दी, तो इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, 3-4 मिनट में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो जब तक ये कुक हो जाए उस बीच में ही हमें इसमें नमक डाल देना है, आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल नमक भी, और अगर आप अपने लिए बना रहे हो, बड़ों के लिए बना रहे हो, तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, अंश को तो जीरा भी तीखा लगने लग जाता है, इसलिए मैं नहीं डालती उसके लिए बिल्कुल भी। अंश लो, तो अभी है रात का टाइम और मैं यहाँ पे आ गई हूँ डिनर प्रिपेयर करने के लिए, पतिदेव भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं अभी चढ़ा दे रही हूँ दाल, जो नॉर्मल अरहर की दाल और मसूर की दाल ही हमारे घर पे बनती है जनरली, तो दाल चढ़ा दे रही हूँ, और बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करूँगी आप सबके साथ, उसको क्या बोलते हैं, भड़वा भिंडी, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी बनी थी,
तो बस यहाँ पे दाल चढ़ा दिया मैंने, और अब चलते हैं भिंडी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक हमारी दाल बन जाएगी और फिर एक साइड पे चावल चढ़ा देंगे। दाल चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे भिंडी कट करने के लिए। तो जो मतलब छोटी छोटी भिंडी है ना, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं, जो मतलब हल्की सी एक उंगली से थोड़ी सी बड़ी वाली होती है ना, वो सारी भिंडी चुन चुन कर मैं कट कर रही हूँ। तो बस ऊपर से उसका जो वो डंठल सा होता है वो, और नीचे से डंठल सा होता है वो कट किया मैंने, और बीच से हमें स्प्लिट लगाना है। इस तरीके से लगाना है कि आर पार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी पतली सी छोटी सी भिंडी होती है ना तो वो आर पार तक चली जाती है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा इसमें, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि बस बीच से स्लिट करें, पूरा पीछे तक ना कट करें। मैंने आप सबको जिस तरीके से दिखाया बिल्कुल उसी तरीके से कट कीजिएगा। तो जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी भिंडी मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाल ली इसमें से अपने साइज़ के हिसाब से, और फिर उन सबको बैठ कर एक साथ ही कट कर लूँगी। एक साथ पहले निकाल कर थोड़ा छाँट कर रख लेते हैं और फिर कट कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहता है, वरना एक काटो ढूंढो एक काटो ढूंढो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस एक बार चीज़ें फाइनल करके और उसका काम करना ही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया है और इसको कट कर रही हूँ। अब आ चुकी हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है जिसके अंदर मैं 2-3 चम्मच दही डाल रही हूँ, और दही में हमें सारे मसाले डालने हैं। आपके पास जो कुछ भी हो, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और अगर आपके पास सौंफ पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। मेरे पास ना सौंफ पाउडर था ना अमचूर पाउडर था, तो मैंने बस चाट मसाला थोड़ा सा रख दिया और बाकी ये सारे मसाले रखे। आप चाहो तो थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल सकते हो। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के, नमक डाल के इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छा सा पेस्ट इसका रेडी हो जाए, और जो हमने भिंडी को बीच से स्लिट किया है उसमें भरना है। आज मैं गीला वाला मसाला भरने का बता रही हूँ। एक और तरीके से बनती है इस तरीके की भिंडी, वो मैं आपको सबके साथ कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, आज दही वाली बता रही हूँ, बहुत ही यम्मी लगती है। तो फिर इस तरीके से हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, और भर के फिर इसे साइड पर रख देना है, और उसके बाद हमें इसको फ्राई करना है। और यहाँ फिर अब हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना होता है, बस हमें तेल डालना है। हमारा तेल जब गर्म हो जाए, लगभग 3-4 चम्मच के हिसाब से मैंने तेल डाला था, आप सबको देख कर पता चल ही रहा होगा, भिंडी की भी क्वान्टिटी दिख रही होगी और तेल की भी। तो बस, और उसके बाद हमें इसको थोड़ा गर्म होने देना है। गर्म होते ही हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, लो फ्लेम ही कर देंगे, और भिंडियों को डाल देंगे। भिंडी को डालने के बाद हमें फ्लेम को लो करना है और बस ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद हमें इसे कुक करना है लगभग 7-8 मिनट तक, और 1-2 बार हम बीच में चेक कर लेंगे ताकि टर्न कर ले कि हमारी भिंडी अच्छे से पक रही है कि नहीं, वो हमें दिख जाएगी या फिर जले ना, ध्यान रखना, चेक कर लेना बीच में। और 7-8 मिनट 10 मिनट में लगभग भिंडी जो है वो कुक होकर निकल जाती है, क्योंकि हमें लो फ्लेम पे पकाना है ना। तो यहाँ पे मैंने लगे हाथ चावल भी चढ़ा दिया और हमारी भिंडी भी पक रही है, तो दाल बन चुका है, चावल बन रहे हैं और भिंडी भी बन रही है, तो सब कुछ साथ में प्रिपेयर हो जाएगा फटाफट से। और ये देखिए भिंडी जो है हमारा बनकर तैयार है, बस लगे हाथ मैंने खाना लगा दिया है। थोड़ी सी दाल बनाई थी मैंने, वो है कढ़ी है कल वाली पकौड़े वाली, रोटी, चावल, सुबह की आलू बैंगन की सब्जी, सैलेड और ये भिंडी फ्राई। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई किचन में। तो मैंने यहाँ पे दूध फाड़ा है क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया और बस ये दूध फट जाता है। इस तरीके से आप नींबू डालते रहोगे और मिक्स करते रहोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी दूध फट गया है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से नींबू निचोड़ो और दूध को ऐसे मिलाते रहो तो दिख जाता है हमें। उसके बाद मैंने ये जो एक्स्ट्रा पानी था ना उसको हटा दिया है, और फिर एक ये कॉटन का कपड़ा आप देख सकते हो, धोती का कपड़ा है ये डाल लिया है मैंने एक कटोरी में। और उसके बाद जो भी हमारा पनीर जैसा जो है ना वो छेना है उसको डाल दिया है इसमें पूरा, तो पानी भी था तो वो भी छन गया है, तो उसको हम छान कर हटा देंगे, पानी फेंक देंगे। फिर हम इस छेने को 2-3 बार ठंडे पानी से धोएंगे, ठंडा पानी मतलब नॉर्मल पानी, ठंडे पानी की ज़रूरत है, नॉर्मल पानी से हम इसको वॉश कर लेंगे, और फिर अच्छे से निचोड़ निचोड़ के सारा पानी हमें इसमें से निकालना है, और फिर इसको दबा के हम रख देंगे फ्रिज में। तो हमारा पनीर जो है वो 1 घंटे में ही 1.5 घंटे में ही रेडी हो जाता है, बट आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हो। तो मैंने बस यही किया, इसको दबाकर मैंने रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पे मैं डोसा के बैटर के लिए डाल रही हूँ उड़द और चावल भीगने के लिए, तभी वो कल सुबह तक भीग जाएंगे तो फिर उनको हम ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं जो रेशियो लेती हूँ ना डोसा के लिए, वो 1 कटोरी लेती हूँ उड़द की दाल और 3 कटोरी लेती हूँ चावल, तो 1:3 या 3:1 जो भी आप बोलो उड़द और चावल का ही रेशियो रहता है, कि उड़द दाल तो कम होती है हमेशा, हमें तो पता है। तो बस यहाँ पर 1 कटोरी बड़ा वाला कटोरी मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बनाने वाली हूँ, तो 1 कटोरी वो ले लिया मैंने, 3 कटोरी चावल ले लिया, और बस मैं तो डालने वाली थी इस वाले बाउल में, क्योंकि हमेशा मैं अपने लिए बनाती हूँ, मतलब हमारी हम दोनों के लिए, तो इस वाले बाउल में हो जाता है, बट आज इतना ज़्यादा हो गया था ना कि इस वाले बाउल में आया ही नहीं। तो फिर
इस वाली कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और बस पानी डाल के इसको ढककर रख देते हैं, ये सुबह तक अच्छे से फूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हो गया है सारा काम धाम खत्म और मैंने इतना सारा डोसा के लिए बैटर क्यों भिगोया है ये आप सबको पता चलेगा कल के व्लॉग में। कल शायद कुछ स्पेशल होने वाला है तो आप सबको कल ही पता चलेगा ये। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर फ्रेंड्स आप सबको मेरे ब्लॉग्स देखने अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है या फिर और आप सब क्या देखना चाहते हो। और हाँ, अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।